मंच पर व मंच के नीचे मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मध्य केवल कांग्रेस नेता मनोज चौहान के भाषण देने पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। ब्यावर के राजनीतिक दृष्टिकोण में कार्यक्रम का श्रेय मनोज चौहान को दिया जाने लगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपनी तैयारियों को अंजाम देकर सीएम के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखाने की होड़ देखी गई। मंच पर कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने भी अपने उद्बोधन में सीएम गहलोत को ब्यावर को जिला बनाने, कन्या महाविद्यालय खोलने, नया थाना स्वीकृत करने सहित अन्य प्रकार की सौगातें देने के लिए आभार जताया। अपने उद्बोधन में चौहान ने ब्यावर जिले की सभी विधानसभा सीटों से इस बार कांग्रेस का विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने तथा अशोक गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने का विश्वास दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने 67 साल पुरानी ये मांग पूरी करी। ब्यावर जिले की मांग देखते देखते कई लोग ऊपर भी चले गए, लेकिन उनको आपसे उम्मीद थी कि ब्यावर को आप जिला जरूर बनाएंगे। और साथ ही आपने इस ब्यावर में नया कन्या महाविद्यालय दिया, बड़ा खेड़ा में महाविद्यालय दिया, इस ब्यावर को अस्पताल की नई बिल्डिंग दी, 1916 के बाद पहला नया थाना दिया आपने। हम खुद गिना नहीं सकते, आपने इतनी मांगे ब्यावर को पूरी कर दी है। साथ ही आपकी योजनाएं इतनी है कि हम किसी को बताने जाते हैं तो हम खुद भूल जाते हैं कि इतनी योजनाएं आपके द्वारा दी गई है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ब्यावर जिले में जितने भी विधानसभा आ रहे हैं, अब कि हम आपको वहां से कांग्रेस को विजयी कराकर आपको पुनः चौथी बार गोविंद सिंह की डोटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस की सरकार लाएंगे।